हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, अगर आपका एज अंडर 80 है, मतलब 18 साल से कम है, तो आप फोन पे कैसे चला सकते हैं, यूपीआई जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई कैसे चला सकते हैं, आप किसी को पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे लोगों ने जो है कुछ भी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दिए हैं। इससे क्या होता है, जो भी ऑडियंस आते हैं, देखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, मतलब बुरा फील होता है, अच्छे से जानकारी नहीं दिया जाता है उस वीडियो में। तो यही सब देखते हुए हम एक अच्छा वीडियो जो है प्रॉपर, जिसमें अच्छे से सब चीज़ बताए हैं कि आप कैसे आप फोन पे चला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहला फोन पे चलाने के लिए आपके पास जो है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और आपका ये सवाल होगा कि सब कोई तो यही बात बोल रहे हैं कि ऐसे कर लीजिए। देखिए, पहले बात पूरा समझ लीजिए कैसे क्या करना है। बैंक अकाउंट तो चाहिए। अगर बैंक अकाउंट आप अपने फ़ोन पे में ऐड नहीं कीजिएगा तो कैसे आपके अकाउंट में पैसा आएगा, या किसी को आप अकाउंट में भेज सकते हैं कैसे? तो देखिए, पूरा प्रॉपर जो है डिटेल समझिए। आप अकाउंट खुल जाएगा आपका, वो कैसे खुलेगा मैं आगे वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, 18 साल से कम, 10 साल के ऊपर आपका एज होना चाहिए। मिनिमम आपको 10 साल के ऊपर आपको एज होना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में 2-3 मेथड बताऊंगा जिससे कि आप जो है फ़ोन पे अच्छे से चलाना सीख जाएंगे और चला पाएंगे, यूपीआई ऐप यूज कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका 10 एज होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन क्या है, आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और सुनिए अभी और आगे मैं बता रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि आसानी से हर गांव, हर शहर क्षेत्र में ये उपलब्ध हो जाता है, जो डाकिया हैं पोस्टमैन वो जो है आसानी से खोल देते हैं आपके द्वार पे आके। उसका चार्ज क्या है, इसके बाद एक और नेक्स्ट मेथड क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और खुद से आप कैसे करेंगे वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आप खुलवा लीजिएगा। और देखिए, जैसे आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खुलता है, आपका उसी टाइम अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है और आपका जो है फ़ोन पे चलने का बाद, तो आप 24 घंटा बाद आपका एक डिजिटल एटीएम जो है जनरेट हो जाता है, जो कि आपके मोबाइल ऐप में दिखाएगा। उसका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप होता है, उसको जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड के नाम से आता है, वो जनरेट कर लीजिए, आपका जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड आ जाएगा। अगर ये देखिए, ये जो है उसका कुछ चार्ज लेता है, और कभी कभी होता है कि जिसे मैं 24 घंटा के पहले ही आप ट्राई करने लगते हैं तो वो जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो आप में मैसेज आ जाएगा जब भी आपका अकाउंट एक्टिव होगा, तो आप 24 घंटा बाद जो है आप खुद से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के डाउनलोड करके और एटीएम जनरेट करके, और 10 साल के ऊपर किसी का भी खाता खुल जाता है, बहुत आसानी से खुल जाता है। और आप बैंक में लॉगिन करके, जैसे फ़ोनपे में लॉगिन करके आप चला सकते हैं। दूसरा मेथड एक और है, मान लीजिए किसी कारणवश आप, मान लीजिए इसका एटीएम नहीं बन रहा है या कुछ भी, अब चाहते हैं इंडियन पोस्ट में ना खुलवाएं क्योंकि चार्ज कुछ इसका थोड़ा सा हाई रहता है या कुछ भी, तो देखिए एक और ऑप्शन है आपको, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, जो कि सरकारी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है। आपको अब पहले क्या होता था, मेन ब्रांच में 18 से कम में खोलने में दिक्कत करता था, आनाकानी करता था लोग ब्रांच मैनेजर। अब क्या है, आप पीएनबी के बीसी ग्राहक सेवा केंद्र, जो मिनी ब्रांच होता है, जो अलग से बैंक के थ्रू ही चलता है, उसको सीएसपी बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में 10 साल के ऊपर आपका एज है तो आप वहाँ पे जाए, कहीं भी आप जा सकते हैं जहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी हो, वहाँ पे आप जाकर आधार कार्ड से ही सिर्फ अपना जो है बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा कि एटीएम कैसे आएगा, 18 साल से कम एटीएम तो आएगा नहीं, या बहुत कुछ भी रीज़न हो, मान लीजिए जो सिग्नेचर नहीं करते हैं उनके नाम से खुलवाएंगे तो एटीएम नहीं आएगा, तो कैसे फोन पे चलाएंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, सबसे पहले आपका 10 साल के ऊपर है तो आपको आधार से ही सिर्फ खुल जाएगा, आधार कार्ड और 2 फोटो ले जाइए, सीएसपी में आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे खुल जाता है अकाउंट नंबर मिल जाता है, और फोन पे में यहाँ पे देखिए, यहाँ से कैसे आपको करना है, फोन पे में जैसे बैंक अकाउंट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना है ऐड बैंक अकाउंट, एड बैंक अकाउंट करके जो भी आपका बैंक, मान लीजिए पंजाब नेशनल है तो पंजाब नेशनल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ अच्छे से, आपका अकाउंट खुल गया। उसके बाद आप फोन पे में अपना अकाउंट ऐड कर दिए, और बोलिएगा कि एटीएम तो आया नहीं है तो कैसे चलेगा। अब देखिए इसका सोल्यूशन है मेरे पास, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है आधार का, आधार नंबर लिंक विथ बैंक, अगर आपके आधार कार्ड में और बैंक में सेम में दोनों नंबर है तो आप बिना एटीएम के ही यूज कर सकते हैं आप फोन पे। 10 साल का ऊपर हुआ एज और आपका एटीएम नहीं आया, फिर भी आप यूज कर सकते हैं फोन पे, काफी आसानी से जो है यूज
जो भी सेम दोनों नंबर रहना चाहिए। एक शर्त यही है, आधार और बैंक में दोनों नंबर सेम रहना चाहिए। और इसमें जो है डालकर अपना UPI पिन सेट करके और पैसा किसी को भेज सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम आशा करते हैं ये हमारा जो जानकारी है काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।